बोल रहा हूं जो कैमरे के पीछे बैठे हैं, उसेन बोल्ट का नाम सुना है क्या? 9 सेकंड की दौड़ के लिए 4 साल लगातार दिन और रात मेहनत की और आप लोग सिर्फ 2 महीने में रिजल्ट ना आए तो बिजनेस को छोड़ देते हो। ऐसा नहीं होता भाई। यहां पर आपको 2 दोस्तों की कहानी दिखाऊंगा जो कि कॉलेज में पढ़ते हुए साथ के साथ व्यापार कर रही है और महीने का 15 से 20 हजार रुपए छाप रही है पार्ट टाइम करते हुए। इनके हौसलों को देखकर इनको सलाम करना पड़ता है और आपकी भी स्टोरी सक्सेस हम कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो मेल कीजिए। आज मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पहुंच चुका हूं जहां पर ये मिलके कॉलेज से आने के बाद पार्ट टाइम में एक ऐसा व्यापार करते हैं जिसे इनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। एक मशीन से शुरू किया, आज 2 कर लिए हैं, आने वाले टाइम में 5-6 और देखने को मिलेगी। क्या क्या चैलेंज आए, कितने दिन पहले शुरू किया, इनके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से, क्योंकि वो सारी चीजें पूछेंगे। आप इंस्पायर होंगे, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मार्केटिंग किस तरीके से करती हैं, कितने में शुरू हुआ, छोटी सी पूंजी बता रही हैं, छोटी सी पूंजी लगाकर उस पूंजी से शुरू किया और 1 महीने में वो पूंजी भी पूरी कर ली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी इन दोनों दोस्तों से जानते हैं कि किस तरीके से इस व्यापार को किया जा सकता है और मुनाफे में तब्दील किया जा सकता है। और दिमाग भी देख लो, व्यापार भी ऐसा चुना है जहां पर भी भगवान की पूजा की जाएगी वहां पर इन प्रोडक्ट को यूज किया जाएगा। पूरा भारत में चाहे गांव हो या तहसील हो, कस्बा हो, शहर हो, हर जगह ये चीजें चलेंगी। रिपीट ऑर्डर का भी आना जरूरी है क्योंकि एक बार खपत होगी तो दोबारा रिपीट ऑर्डर आने पे ही इनके पास मार्केटिंग के लिए माल बचेगा। सारी जानकारी वीडियो में देंगे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैम नमस्कार, एक बार इन्हें आप स्टॉप कर दीजिए, हमें इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मायसेल्फ स्वीटी चौधरी। ठीक है। मेरा नाम रुक्मणी पटेल है। ठीक है, तो आप ये बताइए सबसे पहले तो आपके जो बिजनेस है ये दिमाग में कैसे आया? सर, हमने ऑनलाइन बहुत सारी ऐसे वीडियोस देखे हैं जैसे प्रियंका चाय वाली, MBA चाय वाला, तो वो सेल्फ बिजनेस करते थे, तो हमारे भी मन में विचार आया कि हम भी कुछ अपना करें। अच्छा, मतलब कि आपको लगा कि वो इतने एजुकेटेड होके एक लड़की वहां से कर सकती है, रोड पे ठेला लगा सकती है, तो आप भी जरूर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैम आप ये बताइए आप करते क्या है, मतलब फ्रेंड है क्या? हम लोग कॉलेज करते हैं और हम दोनों एक ही कॉलेज में हैं, हमारा ग्रेजुएशन हो रहा, मतलब अभी थर्ड ईयर है हम लोग, ग्रेजुएट फाइनल ईयर में। ठीक है। अच्छा, तो अब ये बताइए अब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ फिर इसे कब करते हैं, समय कब देते हैं? जब हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से जब वापस आ जाते हैं तो जो हमारे पास में टाइम होता है उस टाइम पे हम नहीं ज़्यादा इसमें, तो 3-4 घंटे अपना काम करके वापस फिर स्टडी पे लग जाते हैं। अच्छा, मतलब कि आप कॉलेज के बाद आने के बाद आपके यहाँ 2-3 घंटे जो बचते हैं उसी के अंदर आप ये बिजनेस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी बताइए जो आप ये बिजनेस कर रहे हैं इस बिजनेस का नाम क्या है? सर, ये एक रुई की बत्ती बनाने वाली मशीन है। ठीक है। जिसके हम कॉटन्स के ये बत्तियां बनाते हैं और उनकी पैकेजिंग करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। मतलब आप रुई बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और ये इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या चीज आप लेके आते हैं? ये पहले तो हमने मशीन परचेस की थी, मतलब अच्छा जो ये दिख रही है। हाँ, ठीक, ठीक है। ऑनलाइन मतलब सर्च किया था और भी कंपनियां से और भी मशीन के हमने मतलब वीडियोस वगैरह देखे थे, पर एक इंदौर की अपनी कंपनी है, हमने अच्छा। उनके बारे में पता करा, उनके यहाँ से हमने जो ये मशीन है ऑनलाइन परचेस की। अच्छा, तो ये बताइए सबसे पहले इसमें रॉ मटेरियल की क्या जरूरत पड़ती है? एक तो मशीन होगी रुई बनाने के लिए, इसे और क्या जरूरत पड़ती है? कॉटन हो गई अपनी। अच्छा, दिखाइए एक बार, ये दिखाना मेरे को, इस तरह की रुई है ये, दिखाइए ये आपने टुकड़े कर रखे हैं, पूरा दिखाना एक बार ये। अच्छा, ये देखिए, दिखाना एक बार ये देखिए, इस तरीके का ये रुई आती है, इन्होंने फिर आप कैसे काटते हैं इसमें से? अच्छा, ये जो है अपने शेप में कि मतलब उनको कितनी बड़ी मतलब कितने बड़े से बनाना है, छोटी बड़ी, और अच्छा, उसके बाद में इसको हम 2 पार्ट में करते हैं। अच्छा, और फिर ठीक है। तो अब ये बताइए जो मैं सबसे पहले तो कॉटन की बात करते हैं, तो पूरा बंडल देख पा रहा हूँ, तो ये कितने का है आपका, कितने रुपए किलो रुई पड़ती है? 250 रुपए किलो रुई है ये, और हमने एक पूरा बंडल लिया हुआ है 10 किलो का। 10 किलो का, तो एक इन्वेस्टमेंट तो इनकी पड़ी 2500 रुपए, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इन्होंने एक बंडल लिया कॉटन का जो 250 रुपए आपके आसपास कॉटन कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा। ये फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट मैं देख पा रहा हूँ, शायद मशीन आपने 2 मशीन ले रखी है, तो एक मशीन की कीमत क्या है? एक मशीन की कीमत हमें 25000 रुपए पड़ी है। आपको 25000 रुपए, तो 25 वो मान लीजिए 2500, मोटा मोटी 28-30 हजार रुपए में आपका एक धंधा स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट हो गया। तो अब इसमें जब आप उससे रुई बनाते हैं तो 1 किलो 250 के पीछे कितने में कितनी बनके तैयार होती है, अगर इसका आपने खर्चा वर्चा निकाला हो तो? हम 1 किलो रुई में हमारी 50 पैकेट बन जाती है। अच्छा, 50 पैकेट होता है इस टाइप की। ये एक पैकेट कितने का है? ये 10 रुपए का है। 10 रुपए का एक पैकेट बनके तैयार होता है, तो 500 रुपए का हो गया, तो 250 रुपए के माल के अंदर ये बता रहे हैं कि 500 रुपए का ये मटेरियल जो है, रुई दिखाना, ये रुई जो है वो बना के तैयार कर देती है। नॉर्मल जो है वो रुई आती है, और उस रुई से जो आप देख पा रहे हो घर पे हम
जो मंदिर के अंदर दिया लगाते हैं तो वहां पर इस तरह की राउंड शेप में या फिर लंबे शेप में इस तरह की रुई आपको देखने को मिली होगी, तो ये बनाते हैं ये। तो 500 रुपए का काम आपने कर लिया, तो एक दिन में आप कितना, 1 किलो ही कर पाते हैं? ये मशीन एक दिन में कितना कर देती होगी? ये मशीन जो है पर डे का 3 से 4 किलो बत्ती बना के कंप्लीट करती है, और हमारा हम जो रहता है हम ज्यादा नहीं तो 3-4 घंटे अगर हम काम करते हैं तो 2 से 2.5 किलो बत्ती बना लेते हैं हम। अच्छा अच्छा, मतलब कि अगर 4 घंटे काम करें तो आप 2 किलो रुई बना लेते हो दोनों मिलके? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए आपको मार्केटिंग कब करते हैं, किस टाइम समय लगता हो? कॉलेज जाते हैं, हमने बना तो लिया, मार्केटिंग कब करेंगे? मार्केटिंग हम छुट्टी के दिन करते हैं क्योंकि बाकी दिन हम कॉलेज से आके ये प्रोडक्ट बनाते हैं और बाकी मार्केटिंग जो भी है वो हम छुट्टी के दिन करते हैं। तो और मार्केट कहाँ कहाँ पर करते हैं? जैसे कि किराना स्टोर हो गए, फिर ना पूजा वाली जो शॉप हो गई। अच्छा। फिर मंदिर के बाहर स्टॉल्स रखती हैं। अच्छा। और कभी कभी हम इसका ना एक्सपो में भी वो लगाते हो आप कई बार? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आप स्टॉल भी लगाते हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग भी करते हैं, शॉपकीपर भी जाते हैं, तो कोई नया एक्सपीरियंस भी हुआ? एक पहला तरीका तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपने ये रुई बत्ती बनाई, पैकेट के अंदर पैक की और आपने बेच दी, तो क्या और कोई दूसरा तरीका भी आपको समझ में आया मार्केटिंग के दौरान? बिल्कुल, ये हमारा खुद का, मतलब जब ये जो बत्तियां हैं हम जहाँ जिस दुकानों में इसको सेल करते हैं तो वो लोग हमें बोलते हैं कि हम, मतलब हमारे ब्रांड से हम आपको पॉलीथीन भी देंगे, हमारी ब्रांड की लेबलिंग भी देंगे, आप सिर्फ हमको उसमें जो है बत्ती पैक करके आप हमको दीजिएगा। अच्छा, तो ये चीज हमको नई सीखने को मिली है मार्केट में। वाह बहुत बढ़िया। देखिए मैम बता रहे हैं कि जब खुद की करते हैं तो इस तरीके की पन्नी, ये अलग से कागज डाल रखे हैं इसके अंदर, क्लोजअप शॉट में दिखा दूं आपको, तो ये तो इनका ब्रांड है और बेच देते हैं। और दूसरा तरीका ये हो रहा है कि जो मार्केट में ये घूमे तो उन दुकानदारों ने बोला कि ये प्रिंट प्रिंट करके सब हम दे रहे हैं, इसमें सिर्फ रुई बत्ती हमारे डाल दो, काम खत्म। तो एक तरीका ये भी है कि लोग अपने नाम की ब्रांडिंग करवाएंगे, सिर्फ आपको अपना प्रोडक्ट बना के देना है। तो मैम ये बताइए महीने में आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट की मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार रुपये की, तो महीने की आमदनी क्या है आपकी? महीने में हम आराम से 10 से 15 हज़ार रुपए हमारे महीने के बचते, मतलब जो पार्ट टाइम। हाँ पार्ट टाइम। और उसकी कोई बिजली ज्यादा तो नहीं, ज्यादा खपत नहीं होती। एक दिन में अगर हम 4 से मतलब 7 से 8 घंटे भी काम करते तो ज्यादा 1.5 से 2 यूनिट का खपत होती है, उससे ज्यादा। और इसको चलाने का तरीका क्या, सिर्फ एक बटन ऑन किया? हाँ। करना एक बटन ऑन, और उसमें जो सामने डिजिट दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है यहाँ पर? ये जितनी बार अपडाउन होता है तो इवन नंबर्स में कितने विंग्स तैयार हुए हैं। अच्छा अच्छा, वो शो होते हैं। ठीक है ठीक है, ये अभी ये दिखा रहा है कि 4560 आप देख पा रहे हो, ये दिखा रहा है कि जितनी बार इतनी रुई ये लगा चुके हैं अगर आप कंटिन्यू इसमें काम करते हैं। तो इसको बंद कर दीजिए। तो मैम ये बताइए आप लोगों ने तो बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, हमारी ऑडियंस भी इस वीडियो को देख रही है, अगर वो भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे तो फिर वो कहाँ से मशीन ले सकते हैं, मतलब या फिर मटेरियल ले सकते हैं? बिल्कुल सर, उसके लिए तो ज़्यादा वैसे हम कुछ बता नहीं पाएंगे, बाकी जहाँ से हमने परचेस की है उस कंपनी का नाम प्लस नंबर हम आपको दे देंगे तो आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं। ठीक है, तो मैम से मैं नंबर लेके कंपनी का नाम फोन नंबर एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं इस मशीन की। अच्छा, इसकी कोई मेंटेनेंस या कुछ ऐसी चीज़? नहीं, ऐसा ज़्यादा ये कुछ खराब नहीं होता, बस इसमें मोटर्स वगैरह लगी है तो ज़्यादा इसमें कोई खर्चा आता नहीं है। ठीक है, आराम से चलती। तो मैम कितने महीने पहले आपने कारोबार शुरू किया था और क्या 2 मशीन लेके ही शुरू किया था? नहीं, मैंने 4 महीने पहले ही काम स्टार्ट किया था और मैंने 1 मशीन से अपना जो ये काम स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मुझे जब मैंने इसको यूज़ किया 2 से 2.5 महीने बाद मुझे इसमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला मार्केट में भी, और उसके बाद फिर मैंने एक और मशीन परचेस की। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में देखो कई सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं भाई, स्टार्टिंग में बड़ी पूंजी नहीं लगाई, पहले मार्केट को देखा, मार्केट से रिस्पॉन्स अच्छा आया तब दूसरी लगाया, और आगे अभी आपका क्या प्लान है, आगे और मशीन बढ़ाने वाले हैं? जी बिल्कुल, अभी तो हमारे पास भी 2 मशीनें, आगे चल के मैं 3 मशीन और हम लेने वाले हैं ताकि 3 लोगों को और साथ में रखें हम अपना व्यापार और बड़ा कर सकें। अच्छा, इसमें कोई क्वालिटी का भी सीन होता है इस रुई के अंदर भी, वही हल्की मोटी? हाँ बिल्कुल, क्वालिटी का रहता है क्योंकि ये जो हम जिनको सेल करते हैं, जो दुकानदार हमसे लेते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि हमको कैसे हल्की मतलब बत्ती का मतलब रुई का चाहिए या फिर अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो उनके हिसाब से फिर हम उनको बना के देते हैं। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों वैसे तो मैंने हर एक चीज पूछने की कोशिश की है मगर आज हम आपको सक्सेस स्टोरी क्यों दिखा रहे हैं, सक्सेस स्टोरी से 2 चीजें समझ में आती हैं। पहला तो ये कि आपको रियल चीज दिख जाती है, रियल फैक्ट देखने को मिल जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, और जो चीज़ हमें शायद कंपनी से ना मिले वो ये रियल चीज़ वो बता देते हैं कि मार्केट का रिस्पांस कैसा है। बाकी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इन दोनों बहनों से मैं ये नंबर लेके आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश करूंगा, आप कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। आज की वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नई वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ, और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।